कभी भी अपना बंदा जो है टाइम से आता ही नहीं है, खासकर जब हमारी जॉब लगी होती है। यहाँ आइए आइए, फ्री का पंपकिन लेकर जाइए। कहाँ पर पंपकिन बेच रहा है तू? ये देखो भाई, आपको मैं यहाँ पर भाई फ्री का पंपकिन दूंगा, वो भी भाई लैंटन वाला। कैसे मिलता है ये? तो अगर आपको फ्री का पंपकिन चाहिए तो आपको सबसे पहले यहाँ से टॉय गन खरीदनी पड़ेगी। चल बे डूबड़े, सस्ते प्रमोशन कर रहा है वो भी मेरे सामने। और ऑब्वियसली गाइस, अगर आप ये टॉय गन लोगे तो एटलीस्ट आपके 15-20 रोबक्स आराम से जाएंगे। तो यार ये फिलहाल मेरे को लॉगिंग के फंडों में यहाँ पर नहीं मरना, पक्का कमीशन पर होगा ये। बट एनीवेज लॉगी, आज हमारी जॉब ले मर गया, मजाया भाई। ये केले के छिलके भाई आपको उठाने थे यार, आपकी जॉब थी। मेरी जॉब यहाँ पर नहीं लगी, मेरी जॉब लगी है गैस स्टेशन के अंदर। और अच्छा। ये रहा रोज अपना गैस स्टेशन, और आज हमें मेरे को और लॉगी को इसी गैस स्टेशन की रखवाली करनी है। गैस स्टेशन एक्सपीरियंस, लॉगी रेडी है ना? भाई मैं तो एकदम से रेडी हूँ। ओके, हमें सबसे पहले करना क्या है भाई साहब? तो बेसिकली अबे कोई भी नहीं है, आइए आइए, कोई भी नहीं आया शॉप के अंदर। तो बेसिकली ब्रोस, हमें ये शॉप की लुक आफ्टर करनी है। आते ही ब्रोस अपना कस्टमर जो है शॉप के अंदर आ चुका है। उसको बाहर निकालो यार, ये नहीं गन इसने यहाँ पर डाल ले। आते ही लॉगिन ने कुछ ना कुछ फोड़ दिया यहाँ पर, क्या कर रहा है यार? तो बेसिकली मुझे और लॉगिन को यहाँ पर 2 दिन रुकना है, क्योंकि गैस स्टेशन का मालिक जो है कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, और हमें 2 दिन के लिए ये शॉप पूरी देखनी है। और उन 2 दिनों के अंदर हमें ये पूरी शॉप स्टॉकअप करनी है, पूरी चीजें शेल्फ पर लगानी है, कस्टमर्स को सर्व करना है, और सारे बंदों की हेल्प करनी है। अब तू कस्टमर सर्व क्यों नहीं कर रहा? कस्टमर को हेल्प यहाँ पर चाहिए, आई थिंक इसको भाई यहाँ पर चेंज चाहिए। एक मिनट, मैं इसको निकाल के देता हूँ। तो उसने क्या लिया? एक पैकेट कर लिया, गुड जॉब। तो इसने लिया एक पैकेट क्रिस्प का, जो कि ऑब्वियसली इसने यहाँ कहीं से उठाया, और इसने लिया साथ में एक बोतल कोका कोला की। लेट्स गो भाई, ये तो बहुत ज्यादा इजी जॉब है यार। भाई जरा मुझे स्टॉक यहाँ पर चेक करने दो। तो अगर मैं टॉप शेल्फ की तरफ देखूँ तो वो भी भरा, अगर मैं नीचे वाला देखूँ तो वो भी भरा हुआ। नाइस नाइस, लोगे तो कुछ मन लगाए काम कर रहा है। ओके बात सुन, पीछे के थोड़ी बहुत सफाइयां कर ले, क्योंकि इन द मीन टाइम ब्रोस अपने पास आ चुके हैं कस्टमर नंबर 2। भागे कहाँ जा रहा भाई मेरे? इतनी सारी चीजें बड़ी, एक तो उठा ले भाई। इसके ऊपर ध्यान रखना, मुझे ये वाला चोर लग रहा है। मुझे भी चोर लग रहा है। काम करते दोनों इसके ऊपर ध्यान रखते हैं, और ले देखो टिल की तरफ जा रहा। लॉगी लेट्स गो, पकड़ो पकड़ो। ओके ये ओके, हमें लगा ये छोटा बहुत चोर बंदा होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक्चुअली माल लेके जा रहा है। अरे सारे बंदे एक ही चीज लेके जा रहे हैं, क्रिस्प एंड ड्रिंक। क्या बात कर रहे हो यार? और सारे बंदे सिर्फ पीली वाली लेके जा रहे हैं। और एनीवेज हमारा काम ये नहीं है कि बंदे क्या लेके जा रहे हैं, हमारा काम ये है कि हमें पूरे ये गैस स्टेशन के लुक आफ्टर करनी है, ठीक है ना? और ये देखो साथ के साथ छोटा सा पक्खा भी लगा हुआ है। लेट्स गो, एकदम से फ्रेश हवा यहाँ से आ रही है। वायरलेस वाला लगा हुआ है यहाँ पे। अरे वायरलेस नहीं, नूपड़े बंदे बैटरी पावर है। बाहर से आवाज आई मेरे को लगता है ये। हाँ भाई, लेकिन मुझे भाई मुझे लग रहा है भाई वो ऐसे ही आवाज होगी गाड़ियों वाली। अरे हम बाहर जा भी नहीं पा रहे यार, व्हाट द हेल, मैं बाहर जा भी नहीं पा रहा। अच्छा सुनो, उसको छोड़ो, आ जाओ भाई, हमें यहाँ पर अभी लिस्ट यहाँ पर बनानी है लिस्ट। ओके, पूरा स्टॉक रूम इनका पीछे है, तो सारा सामान जो है हमें स्टॉक रूम से लेके आके ना यहाँ पर बिल्कुल। भाई साहब ये क्या था? तूने कुछ देखा क्या यहाँ पर? भाई मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कोई कैरेक्टर यहाँ पर मचा, अंदर मचा। अरे भाई अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑफिस बना हुआ है। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। भाई लिटरली ब्रो, मेरे सामने एलियन था। वो देख यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है, पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है दे आर हियर। वेट व्हाट? ये देखिए देखिए, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। भाई मुझे जरा देखने दो, ये देख रहा है? अरे भाई यहाँ पर तो एक्चुअली लिखा हुआ है। भाई यहाँ पर मेरे को लगता है टेबल के नीचे या आसपास कहीं ना कहीं छुपा होगा ये। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वहम था भाई। क्या बात कर रहा है, हो सकता है, लेकिन तेरा वहम, दो बंदे एक वहम नहीं दे सकते, पागल हो गया क्या? मे बी सर जी ने यहाँ पर भाई नए खिलौने मंगवा के रखे ताकि वो हमें बेचने हैं। मे बी हो सकता है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, आई डोंट नो। बट एनीवेज एट द सेम टाइम हमें जो है ये फालतू की बातों में नहीं आना, हमें पूरा स्टॉकअप यहाँ पे करना। तो बिल्कुल मेरे हाथ में एक बॉक्स आ चुका है, और इसके अंदर मेरे को लगाना है क्रिस्प, जो की जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर। पूरी शेल्फ खाली हो चुकी है और लॉगी को पता भी नहीं है। फटाक से लगा तो रहा हूँ भाई, लेट्स गो। नई मैगजीन लगाएंगे, वो भी भाई यूएफओ वाली। UFO वाली? हाँ भाई, ये देखो भाई अपने नई मैगजीन के ऊपर UFO वाला बना हुआ है। ओके, तो हमें एक बॉक्स अभी और उठाना है यहाँ से। तो फट से मैं बॉक्स को हाथ में पकड़ लेता हूँ, और फुदकते फुदकते मैं गलत जा रहा हूँ यार, मैं बार बार उसी ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। पर एनीवेज हमें एक बॉक्स, अच्छा तू है। मेरे को लगा था कि दरवाजे अचानक से खुल रहे और बंद हो रहे हैं। भाई डरा मत मेरे को यार, तो पागल हो चुका है। बाथरूम चला गया था। ओके, तो यहाँ पर मेरे को एक और डब्बा लगाना है क्रिस्प का, एंड फट से लीजिए ब्रोस अपने पूरा गैस स्टेशन एकदम से फुल ऑन भर चुका है। ओके, स्टॉक पूरा फिनिश हो चुका है, और अभी इसके बाद में थोड़ी देर बाद हमें कस्टमर सर्व करने हैं, एंड उसके बाद हमें सफाइयां भी करनी है, ठीक है? घर का टाइम कब आएगा यार, मुझे घर भी जाना है। अभी चुप कर, कस्टमर आ चुका है। तो कस्टमर के ऊपर मैं थोड़ी बहुत नजर रखता हूँ, तो टिल के ऊपर रहियो, ठीक है? क्योंकि ये वाला थोड़ा बहुत मेरे को चोर लग रहा है। भाई भाग के क्यों जा रहा है ये? भाई सारे कस्टमर ऐसे ही जा रहे हैं हमारे रोब्लॉक्स की दुनिया के अंदर। वहां मत जा, वहीं से कोई से गुजरेगा। एक मिनट भाई, मैं इसको साइड से देखता हूं। भाई साइड से मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूं। तेरी ये हमें देख रहा है नूबड़ा कहीं का। ओके लगे टिल के ऊपर जाइयो, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मुझे इस बंदे के ऊपर भरो। ये कहां जा रहा है? व्हाट,
पीछे कर, पीछे अरे सर जी वो ऑफिस अच्छा रेस्ट रूम जा रहा है। हाय वैसे जिस स्पीड में भाग रहा है ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर से लगी होगी इसको। अभी वेट करते हैं कि बाहर आएगा कि नहीं आएगा। भाई सर जी यार कितना ज्यादा टाइम लगा रहा है यार, मुझे भी जाना है। वाओ अंदर हेलो 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 जरा मैं चेक करता हूं क्या इसने भाई सब कुछ ठीक तो यूज किया ना भाई, कहीं से टिश्यू तो यहां पर ज्यादा यूज नहीं कर ली है। अरे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि नूबड़े ने मे बी जेब के अंदर कुछ ना कुछ डाला हो। अबे शॉप से माल लेके बाथरूम के अंदर गया वो। बट एनीवेज थैंक यू सो मच सर जी, वापस फिर से आना गैस स्टेशन के अंदर, इसको अपनी ही दुकान समझना। ऑलराइट तो बहुत ज्यादा कस्टमर सर्व करने के बाद हमें यहाँ पर सफाइयाँ भी करनी होंगी। और भाई अभी हमें पीछे से ब्रूम लेकर आना पड़ेगा। कहाँ पर पड़ा हुआ ब्रूम? ये ना भाई यहाँ पर झाड़ू पड़ा हुआ है तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ सामने। एक मिनट भाई मैं सामने वाला लेकर आता हूँ। कहाँ पर? एक ही तो पड़ा है। अरे भाई यहाँ पर भी पड़ा है पीछे, यहाँ पर देखना। अच्छा यहाँ पर सिर्फ गंद है भाई। अच्छा यार मैं हाथ से साफ कर रहा हूँ यार। क्या बात कर रहा है, हाथ से साफ करना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, तो ये वाला सेक्शन साफ कर ले, मैं यहाँ पर ये वाला सेक्शन साफ कर लेता हूँ। अबे सामने कोले के अंदर झाड़ू पड़ा है, ले ले नुबड़ापंती मत कर, हम यहाँ पर काम करने आए हैं। एक मिनट भाई पहले मुझे पीछे से साफ करना पड़ेगा, आप तब तक आगे बढ़ो। तूने ये वाला सेक्शन साफ नहीं किया क्या? नहीं यार उन्होंने बोला कि झाड़ू से साफ करना है। अभी हमें मेन शॉप फ्लोर के ऊपर ना जाके सफाइयां भी करनी है। ये ले मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके ये वाला सेक्शन भी हमारा साफ हो चुका है। और मेरे को याद है कि दरवाजे के पास भी ना किसी ने गन डाल कर रखा हुआ था, फटाफट तेरे को वो भी उठाना है। वही वाला मैंने अभी उठाया। ओके और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गन बचा हुआ था, फटाफट से ब्रोस क्लिक करके लेट्स गो। यार सफाइयां तो एकदम से ओपी लेवल की हो रही है। और अभी एक रूम बचा हुआ है वो भी पीछे वाला। यार पीछे यार मुझे पसंद नहीं आता यार, पीछे जाना मुझे पसंद नहीं आता है। अबे आई थिंक हमने सारा कर दिया, लेकिन भाई सिर्फ बाथरूम रहता है मुझे ये वाला साफ करना है। क्या बात है, ये कौन क्या था बाथरूम के अंदर? ये कौन है? ये कस्टमर था भाई, वो कस्टमर था भाई, पूरा गंदा ही कर दिया इसने। ओके अभी क्लीनिंग अपनी फिनिश हो चुकी है, लेट्स गो। पूरा काम एकदम से टाइम पे हो रहा है, अपना बॉस जो है पूरा खुश हो जाएगा। अरे भाई फोन आ रही है, पीछे से फोन की आवाज आ रही है। मे बी बॉस का नाम लिया ना, तो मे बी बॉस का ही फोन हो सकता है यहाँ पर। देख काम करते हैं फटाफट से, मैं जाके ना फोन चख लेता हूँ। एंड आ रहा हूँ, ज्यादा घंटियां मत बजाओ, आ रहा हूँ। उठाओ स्पीकर पे लगाना। हाँ भाई हेलो, दे आर हियर। व्हाट भाई कौन आने वाला है? हमारी बात कर रहा क्या? अरे हम तो पहले से आ चुके हैं भाई, मे भी बाकी एम्प्लॉइज यहाँ पर आने वाले होंगे। व्हाटएवर यू डू स्टे इनसाइड एट ऑल कॉस्ट। ले पागल बंदा है, इसने खुद ही हमको बुलाया और खुद ही हमें बोल रहा कि हमेशा अंदर ही रहना। डोंट बिलीव द गवर्नमेंट, कहाँ से आ गई बीच में आप? अबे गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं चल रही। ले उसने फोन ही चक लिया यार, उसने तो खतरनाक वाली बात ने पूछने वाला था और वो बताने से पहले नूबड़े ने फोन ही काट लिया। तो क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? मेरे को यार बोला कि बाहर हमें नहीं जाना चाहिए। आई थिंक या तो ये कोई बंदा हमारे साथ प्रैंक कर रहा है या वो। ये क्या थोए भाई साहब, यो तूने देखा उसको? यार एक बार फिर से हमें वो कैरेक्टर दिख गया। ये देख टीवी भी चल पड़ा है, गोत्र टीवी। इधर टेल के पास टीवी पड़ा हुआ है भाई। टीवी के ऊपर क्या दिखा रहे हैं? भाई टीवी के ऊपर फिलहाल जो है ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हो, टीवी के साथ भाई बुक पड़ी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ दे आर हियर। भाई यही सेम किताबें यहाँ पर भी पड़ी है, ये देखो भाई यहाँ पर शेल्फ भरा हुआ है इसके साथ। वाह 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 वाह, टीवी चल पड़ा। जा जा जा, वॉच द ब्रॉडकास्ट। आजा जल्दी कर, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हो रहा है यहाँ पर। तो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट द वीडियो ऑफ यूएफओ फ्लाइंग अराउंड द कंट्री हैज इज जस्ट अ हुक्स। बेसिकली बंदे बोल रहे हैं कि यहाँ पर यूएफओ की वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं और वो सिर्फ एक जोक है। और ये बंदे साफ साफ बोल रहे हैं कि जो भी कुछ देखे सब मजाक है, किसी की बातें विश्वास मत करना। अब मेरे को ये नहीं पता कि जो हमारी दुकान के अंदर एलियन घूम रहा है उसको क्या करें। अभी यहाँ पर सेकंड नाइट आ चुकी है। ओके फर्स्ट नाइट हमने सक्सेसफुली जो है मैंने और लॉगो ने सर्वाइव कर दी। लेकिन यार आपको याद है ना लास्ट टाइम वो सर जी ने फोन पे बोला था कि गवर्नमेंट की बात हमें नहीं माननी है। ओ ये गवर्नमेंट की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना। उन्होंने तो बोल दिया कि जोक है, लेकिन हमने दो बारी भाई यहाँ पर इनकाउंटर किया। अबे ये देखिए कौन सा नुबड़ा कस्टमर आके क्रिप्स का पैकेट फेंक के चला गया यार। एलियन यहीं पर ही खड़ा था ना। ओ मेरे ख्याल से एलियन शॉपिंग करने आया क्या? तो हाथ मत लगाना भाई, ये कर्स्ड हो सकता है। मे बी अबे कस्टमर के सामने गन पड़ा हुआ है, काम कर इसके ऊपर खड़ा हो जा। कस्टमर को गन नहीं देखना चाहिए हमारी शॉप के ऊपर भाई। ओके उसको असिस्टेंट चाहिए। ओके ये ले ये ले ये ले, इसने लिया क्या है? कोक की बोतल और क्रिस। सारे बंदे एक ही चीज लेके जा रहे हैं भाई, नाइस है। चपाती भाई एक और कस्टमर आया है, आप उसको सर्व करो भाई, और मैं इस पैकेट को जरा एनालाइज करता हूँ। क्या मुझे भाई शायद मुझे यहाँ पर कोई क्लू मिल जाए। अरे मेक श्योर करियो कि ये पैकेट जो है कस्टमर को दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो कस्टमर लोग क्या सोचेंगे भाई दुकान के अंदर गंद पड़ा हुआ है। ऐसे खड़ा हो जाता है और भाई इस कस्टमर ने फिर से वही सेम चीजें ली। अरे कोई बात नहीं, अरे मेरे को कोई झूल लग रहा है। क्या क्या क्या, सारे हमको कहीं प्रैंक तो नहीं कर रहे? कैसे भाई? देखो दुकान के अंदर पहले हमें भूत देखा, दूसरी बात सारे कस्टमर आके जो है एक ही चीज ले रहे हैं भाई। सबसे बड़ा
गिवा वे तो यही है कि सारे बंदे आके एक ही चीज ले रहे हैं। वैसे यार बात तो एकदम से सही है और ये okay. पीछे क्या लिखा है? ओके okay, बात सुन, मेरी बात सुन, अभी बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा बाथरूम जो है कोई ना किसी ना किसी ने यूज किया होगा और वो गंदा हो चुका होगा, तो फटाफट से जाके हम ये देखो okay, उन्होंने बाथरूम में सील कर दिया। भाई ये किसके काम है? लेकिन चलो कोई बात नहीं है, फटाफट से हमें बाथरूम खोलना है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आया और उसको बाथरूम यूज करना होगा और बाथरूम नहीं हुआ तो ये सरकार के खिलाफ है, वो हमें आके पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, मुझे जानना है कि ये सील किसने किया। मे बी बॉस के काम हो गए। क्या था? पर चूहे आ चुके हैं भाई, बाहर आ जाओ। अब मैं इसको क्लिक करके भगाना पड़ेगा भाई, इससे पहले कि कोई ना कोई कस्टमर इसको देखे, इसको भगाना पड़ेगा सारे चूहों को। भाई हमें इनको भगाना पड़ेगा इससे पहले कि हमारी हाइजीन रेटिंग यहाँ पर जीरो हो जाए। अबे हाइजीन रेटिंग के बारे में क्या बात कर रहा है, दुकान की पूरी ओवरऑल रेटिंग खराब हो जाएगी, इधर को पता है ना। आई थिंक सारे क्लियर हो चुके। और दीवार के ऊपर क्या लिखा? देयर इज ऑब्जेक्ट इन द स्काई, देयर हियर, सिर्फ यही रिपीट हो रहा है भाई। ये देखो भाई साहब, कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर आने वाली है। न्यू कस्टमर, लेट्स गो। भाई यहाँ पे लिखा है दे कैन हियर अस। क्या बात कर रहा है भाई? ये देखो दीवार के ऊपर लिखा है दे कैन हियर अस। हमारी बकवास सुन रहे हैं क्या वो? भाई लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा है दे कैन हियर अस। भाई बहुत स्केरी लग रहा है भाई, तो कस्टमर आया, इससे पहले कि वो पैकेट मार ले हमें पहले यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। जमीन के ऊपर जो पैकेट पड़ा हुआ था अभी तक पड़ा हुआ है यार, फिर से इसको कवर यहाँ पे कर लेता हूँ। ये क्या लिखा है? हमने ये वाला नोट तो पढ़ा ही नहीं। To the night staff. अरे वो सिर्फ हमारे काम है। ओके ओके, मतलब कि जॉब्स लिखी है हमारी, मतलब कि जॉब्स लिखी है हमारी, जो जो काम हमको जो काम हमको यहाँ पर करने वो लिखी हुए हैं। तो स्केड्यूल के मुताबिक हमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है। ओके नाइस, अभी क्या करना है मेरे को पहले ये बताओ। ओके अभी हमें वेट करना है ताकि सामने से एक और ऑर्डर आए। ओके सारे काम हो चुके हैं लॉगिन, लेकिन हमने एक काम तो किया नहीं। क्या? ये जो हमने इतने डब्बे खाली किए हैं, शेल्फ के ऊपर चीजें लगाई हैं, इनका रबिश पीछे पड़ा हुआ है, तो हमें पहले रबिश सेट करना है। आजो भाई, इसका मतलब ये कि हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। जा। क्या? ये उन लोगों ने बोल कर रखा था कि बाहर नहीं जाना। अरे भाई ये तो अंदर ही है ना। नहीं, रबिश बाहर पड़ा हुआ है। अरे वो देखो रबिश सामने पड़ा है, लेकिन हमें रबिश बाहर लेकर जाना ये पड़ेगा। चक्के बाहर लेके जाना भाई। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा स्केरी होने वाला है। चपाती भाई पहले आप जाना। ए चल, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम पीछे पीछे आता रही हो। ठीक है ठीक है, बहुत डर लग रहा है इन लोगों से। अगर मैं इधर, ओ माय गॉड, यार आधी रात यहाँ पर हो रही है यार। हमारे पास तो यार फोन का टॉर्च भी नहीं है, लेकिन बिन बिल्कुल दरवाजे के पास ही पड़ा है। निकल, भागो 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 भागो। लेकिन मेरे को कुछ दिखा यहाँ पर भाई? मेरे को आवाज़ आ रही है यहाँ से। अरे अंदर आ जाओ इससे पहले कि कोई आपको ऊपर से अबडक्ट ना कर ले। ऊपर तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सामने आपको कुछ दिख रहा है क्या? मेरे को सामने कुछ ना कुछ लगा हुआ दिख रहा है। काम करते हैं रोगी, दोनों साथ में चलकर ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यार मुझे यहाँ पर बहुत, अबे मेरे साथ साथ आता रहा, डर मत। आ गया मैं। तो बिल्कुल, ओ माय गॉड, भाई वी व्हाट? लोगी भाग, ये क्या था वे? लोगी भाग, इसने मेरे को पकड़ के रखा हुआ है भाई। यहाँ पर लिटरली यूएफओ क्रैश हो चुकी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लेकिन हमें जाना वहीं पर ही है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वहीं पर ही है। ओ भाई, आई थिंक जितने भी एलियंस हमें देखे है ना, मे बी यहीं से आए होंगे। अरे लोग इसके पीछे पीछे आके देखियो, हैंग ऑन अ सेकंड, ये ग्रीन चीजें क्या पड़ी है यहाँ पर? यार वो कोई टॉक्सिक चीज हो सकती है। ज्यादा पास मत जा, ज्यादा पास मत जा भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर भाई। भाई मैं यहाँ पर हाई ग्राउंड के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ। तूने जगह तो एकदम से मस्त वाली पकड़ कर रखी, और वो देख सामने कुछ पड़ा हुआ चमकती हुई चीज। वो क्या है भाई? कुछ अंडे जैसा मुझे लग रहा है। रुक, अगर मैं ये लेके देखू तो हैंग ऑन अ सेकंड, प्रेस ई। अरे मैंने ले लिया एंशिएंट एग। वाओ, अरे जैसे मैंने अंडा उठाया मेरे पीछे आ चुका। निकल निकल निकल, भाग लॉगी, भाग पीछे, भाग बिल्कुल मेरे पीछे पड़ा भाई, मेरी स्पीड इतनी। लॉगी निकल, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। ये देख, ये देख, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कम ऑन कम ऑन, मेरे पीछे आता रहा। हमारे पीछे यहाँ पर एदिल पड़ा हुआ, और जैसे मैंने अंडा उठाया वो एदिल पागल हो चुका था। दरवाजा बंद कर भाई। क्या बच चुकी है क्या भाई? लिटरली ब्रोस, लोग इधर को पता है, हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट के बाहर, नॉट रेस्टोरेंट, हमारे गैस स्टेशन के बाहर लिटरली यूएफओ क्रैश हुआ है। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट ने टीवी के ऊपर बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने और उस जिस बंदे ने फोन किया था ना, उसने बोल कर रखा था कि गवर्नमेंट की बातों पर विश्वास मत करियो, और अचानक से चुप कर फोन बज रहा है। अच्छा, फोन बज रहा है यार, ध्यान से उठाना ठीक है ना। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर फोन उठाना है भाई। तूने नोटिस किया, जैसे ही मैंने अंडा उठाया एलियन पीछे आ चुका है। ओके अभी मेरे को बताइए फोन के ऊपर कौन है? एक तो ये बंदा दो दो घंटे बोलता भी तो नहीं है। यू शुड जस्ट लिसन। वैसे बात तो ये लौंडा ठीक कर रहा है यार, हमने इसकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। हमको लगा कि ये फोन कौन कर रहा है हमें। भाई मेरे को नहीं पता भाई, हमने इसकी बातों को एकदम से प्रैंक माना था। यू वेंट आउटसाइड और रे, हमने कानून तोड़ दिया। लेकिन इसको पता कैसे यार? हमें देख कैसे रहा है? कहीं ना कहीं इसे कैमरा वगैरह मे भी लगाए होंगे।
Now the government is want to talk about you. Yeah. Oh my God. मतलब कि हमने aliens को देख लिया और aliens की news government छुपाना चाहती थी और अभी government आके खुद हमसे बात करेगी. Whatever you do, government को कुछ नहीं बताना. ठीक है. Okay. ठीक है. मुझे इस बंदे की बात माननी है फोन वाले की. ठीक है. ठीक है. तो basically guys अगर government आएगी मुझसे पूछेगी तो हमने government को झूठ बोलना है. हमने बोलना कि हमें कुछ नहीं देखा. भाई बीच भाई वो कुछ बोलने जा रहा था और फोन ही कट गई. पावर कट हो चुका है यहाँ पर और स्केरी हो चुका है यार. ओ भाई यहाँ पर क्या हो रहा है यार. हमारे पास कोई टॉर्च वगैरह है क्या दुकान के अंदर? और एक और अंडा. भाई इस बार ध्यान से उठाना ठीक है ना. ओके इस बार ही मैंने अंडा चख लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. भाई इस बार 3 of 3 एग्स तो हमें मिल चुके लेकिन इसका मतलब क्या है? I don't know. लास्ट बार जब मैंने अंडा चखा था तो मेरे पीछे एलियन आ चुके थे लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ. आ जाओ भाई ऑफिस के पीछे यहाँ पर भाई बॉक्स बना. अच्छा बार बना यार. वो बाहर बना है ऑफिस के पीछे नहीं भाई ऑफिस के बाहर बना हुआ है. उसने बोला था की अब की बारी बाहर नहीं जाना है. लॉकी मेरे पीछे आता रही और आराम से. ठीक है भाई स्लोली स्लोली आगे बढ़ो. मेरे को बहुत डर लग रहा है इस गेम के अंदर. और ये देखो पूरी चिंगारियां लिटरली यहाँ से बाहर निकल रहे हैं. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने कोई भारी भरकम चीज इसके ऊपर मारी होगी और अंदर से कोई पुर्जा जो है लूज हो चुका होगा और तभी वहां से चिंगारियां निकल रही है. अंडे चकने के बाद पागल हो चुके हैं. अरे वापस ले लो मेरे को तुम्हारे अंडे नहीं चाहिए. उनका तो ऑमलेट भी नहीं बन सकता. फोन फिर से बज रहा है. ये फिर से वही चौमू बंद होगा. ओके इस बार तू फोन चकियो. ठीक है इस बार मैं फोन चकूंगा. और फोन चकते ही ना तूने डालना बिल्कुल स्पीकर के ऊपर ताकि मेरे को भी इसकी बातें सुनाई दे. ओके ये लो भाई मैंने फोन स्पीकर पे डाल दिया है. ओके हेलो दिस इज एजेंट एलन. अच्छा एलन ओके वहां से बोल रहा है. ओके एजेंट एलन मे बी यो गुलागी ये पक्का गवर्नमेंट का बंदा होगा. तो ये बंदा बोल रहा है कि हमने कुछ चीजें नोटिस करी है वहाँ पर गैस स्टेशन के पास. भाई उसको नहीं बोलना है ठीक है ना. ओके और वो बोल रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है यूएफओ फ्लाइंग आपके एरिया में. भाई इसको तो पता भी नहीं है कि वो यूएफओ ओल्ड नेरी लिटरली यूएफओ दुकान के पीछे क्रैश हो चुकी है. ये उसको बोलना सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट है ठीक है ना. साइंस का प्रोजेक्ट है. तो वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. नहीं बोलना ठीक है ना. नहीं बोलना. देर से बात कर रहा नुबड़े. ओके हैव यू सीन एनीथिंग? ओके लोगी बता तूने कुछ देखा कि नहीं देखा? मैंने कुछ भी नहीं देखा ठीक है ना. भाई इनको हमें बोलना कि हमने कुछ भी नहीं देखा है. भाई सर जी फोन वाले सर जी एजेंट एलन हमने कुछ भी नहीं देखा. हाँ बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो. मेरे पास तो तीन अंडे है भी नहीं. ओके प्रेस ई टू टेल द ट्रुथ. अबे ई मत दबाइयो. हमें कुछ नहीं बताना इन लोगों को. ठीक है भाई इनको हमें बिल्कुल भी नहीं बताना है. अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं गवर्नमेंट का फोन काटते हैं हम लोग तो पता नहीं ये लोग हमारा क्या हाल करेंगे. सर जी हमने कुछ नहीं देखा. हमारे पास तो बिल्कुल भी वो एलियन वाले अंडे हैं ही नहीं. जो तीन अंडे मैंने बाहर से उठाए हैं ना वो बिल्कुल मेरे पास हैं भी नहीं. यार यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इन लोगों ने हमें देकर रखा है वो है टेल द ट्रूथ. भाई क्या इनको बता दें क्या? पता नहीं यार ये लोग तो बिल्कुल पीछे बढ़ चुके हैं. ये लोग तो फोन भी नहीं काट रहे. ओके लॉगी आई थिंक मुझे इनको ना करना ही पड़ेगा. बता दे देखी जाएगी. एक मिनट भाई मैं इनको ना बोल रहा हूँ. सर जी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है. एलन सर जी को बताना कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है. हमने किसी को नहीं देखा. वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा. बता दे भाई मैंने इसको ना बोल दिया. भाई एलियंस? अरे तूने बता दिया इसको? अरे भाई मैंने बताया कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है. अबे तूने इसको बोला क्यों? अरे भाई मैंने बोला कि हमने कुछ भी नहीं देखा यहाँ पे. ओके फॉरगॉट द होल कॉल ओवर. ओके हम यहाँ पर आई थिंक फिर से बच चुके हैं. Okay. The agent left you alone after you lied to them. Next morning you decided to quit the job. Nice. Let's go. तो लॉग ने एकदम से एजेंट को एकदम से बेवकूफ बना दिया गवर्नमेंट के बंदों को. और अगले दिन ही हमने गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने एजेंट को बेवकूफ बना के अगले दिन गैस स्टेशन की पूरी जॉब छोड़ दी और अभी हम एकदम से लॉबी के अंदर आ चुके हैं. तो इसी के साथ ब्रोस हमारा गैस स्टेशन का एक्सपीरियंस एकदम खतरनाक वाला था और अभी ये कंप्लीट हो चुका है. तो वंस अगेन ब्रोस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय.